सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक की। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक पर निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि इस बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं। सुबह लगभग 10:30 बजे का समय है जब मोदी मंत्रिमंडल की मीटिंग शुरू हो जाएगी। इस बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा होनी है। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा, ऐसी जानकारी पहले ही मुहैया हो चुकी थी। इस बैठक में इसके अलावा कई और अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं देश के भलाई के लिए, लोगों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग वर्गों के लिए भी कई अहम निर्णय इससे पहले भी मोदी कैबिनेट ले चुकी है। आज होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले मोदी कैबिनेट लेगी, देखने वाली बात है। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं राजा पटेल, उनसे बातचीत करते हैं। राजा, 10:30 बजे बैठक का समय है, आज ये जो बैठक है इस पर क्यों हम कहें कि निगाहें ज्यादा टिकी हुई हैं, कौन कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, शीतकालीन सत्र को लेकर कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिन पर चर्चा बहुत ज्यादा विस्तार से होने वाली है? और बिल्कुल देखिए, अब से कुछ देर बाद मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे और सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जाहिर तौर पर क्योंकि काफी महत्वपूर्ण आज की ये बैठक है, क्योंकि कई ऐसे बड़े फैसले हैं, जो जानकारी है हमारे पास सूत्रों के अनुसार कि आज मोदी कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है, फैसले लिए जा सकते हैं। मोदी कैबिनेट के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी साझा करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर मोदी कैबिनेट में चर्चा हुई है और वो धरातल पे अब कैबिनेट उतारती हुई नजर आएगी। पर इस बीच क्योंकि सेशन भी शुरू हो रहा है, लोकसभा सेशन भी शुरू हो रहा है, तो उसको लेकर भी मोदी कैबिनेट में बातचीत होती हुई नजर आएगी। दूसरी ओर जो जानकारी है हमारे पास कि किसानों को लेकर भी यहाँ पर मोदी कैबिनेट में बातचीत हो पाएगी। जिस तरीके से चाहे खाद की हम बात कर ले, यूरिया की बात कर ले, इसको लेकर काफी दिक्कतें कई राज्यों में किसानों को देखने को मिल रही है, तो उसको लेकर भी मोदी कैबिनेट में बातचीत होगी। कल ही केंद्र की तरफ से पांच रुपए में जिस तरीके से जानकारी है, 5 किलो आटे के कट्टे और चावल को लेकर अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर जो केंद्र के ट्रक जाएंगे उसको लेकर भी मोदी कैबिनेट में बातचीत होगी। तो काफी बड़े फैसले आज किस मोदी कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। जी, शीतकालीन सत्र को लेकर खासी चर्चा चल रही थी, इससे पहले कुछ तारीख भी सामने आई थी, तो अंतिम मोहर इस कैबिनेट की बैठक में लगेगी या फिर ये साफ ही है कि जो सेशन है वो कितनी अवधि का रहेगा, किस तरह से रहने वाला है? और इस बार तो लग रहा है कि विपक्ष भी पूरी तैयारी करके आने वाला है, हंगामा होने के भी आसार हैं। और बिल्कुल देखिए कमल, शीतकालीन सत्र जो कि 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और 20 दिसंबर तक चलेगा, तो विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ इस बार जरूर शीतकालीन सत्र में पहुंचेगा। पर इस बीच मोदी कैबिनेट की ये बैठक भी शीतकालीन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण।